उलमाए दीन इस मसले में क्या फरमाते हैं, एक आदमी एक सूदी बैंक में गार्ड या चपड़ासी की नौकरी करता है, यानी चाय वगैरह बनाता है और बैंक के दूसरे छोटे मोटे काम सर अंजाम देता है, इसके बराह रास्त सूदी लेन देन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या इसकी बैंक में मुलाजमत जायज़ है? इख्तलाफी मसला है, बाज़ उलमा नाजायज़ कहते हैं, बाज़ जायज़ कहते हैं। जो जायज़ कहते हैं उसकी वजह क्या है नाजायज़ वालों की, वो मैं एक बयान में बता चुका हूँ। तो अगर गुंजाइश है, ठीक है ना, बेहतर ये कि ना करे, जॉब नहीं मिल रही तो गुंजाइश भी है, क्योंकि सूद में ये मुलव्विस नहीं है। बहुत से इंजीनियरिंग कंपनियां एक पीईसी सनद याफ्ता इंजीनियर को ये ऑफ़र करती हैं कि अपनी डिग्री हमें दें, वो कंपनियां पीईसी को ये डिग्री शो करवाती हैं कि इनके पास पीईसी के इतने सनद याफ्ता इंजीनियर हैं जिससे इन कंपनियों का दर्जा बढ़ता है, इसके अवज़ वो इस इंजीनियर को भारी मुआवजा देते हैं। गलत है ये मुआवजा लेना दुरुस्त नहीं है। नमाज जनाजा में सलाम फेरते वक्त हाथ बांधे रहे, खोल दिए जाएँ हाथ। चंद मारूफ लेकिन गैर मुस्तनद अहदीस किताब के बारे में कुछ बताएं, क्या मतलब, यानी जो हदीसें मशहूर हैं मगर हैं गैर मुस्तनद, तो ऐसे बहुत सारी हैं, अभी तो जहन में नहीं आ रही, बहुत सारी हदीसें। अल्लाह ने तमाम नबियों को दीन पर कुर्बान किया लेकिन दीन को किसी नबी पर कुर्बान नहीं किया, इसके बारे में तफसील बताएं। अल्लाह ने पैगम्बरों को दीन ही के लिए तो भेजा है ना, तो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब उसका दीन है, इसके लिए पैगम्बरों को भी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, और पैगम्बरों की भी कदर अल्लाह की नज़र में इसलिए कि वो दीन की तबलीग करते हैं। शुमारी का शादी का एक साल हो गया है, बच्चे की कोई अलामत नहीं है, कोई अच्छे से हकीम का पता बता दें। भाईजान खुद ही हकीम तलाश किया करो यार, डॉक्टर हकीम खुद तलाश किया करो। कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो अगर आपको किसी हकीम का नुस्खा मालूम हो तो इरशाद फरमाएं। कम उम्री में बाल सफ़ेद हो गए हैं, अगर ये मौरूसी नहीं है, बाप दादा के सबके हो रहे हैं तो फिर नहीं काले हो सकते, और अगर आप ही के हुए अब्बा दादा के नहीं होते थे फिर इसका इलाज हो सकता है, किसी अच्छे हकीम या डॉक्टर से रब्ता करें। तमाम दवाएँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें, फिर भी आराम ना आए तो किसी करीबी मौलवी से रुजू करें, और इस्तेमाल से कबल बोतल को अच्छी तरह हिला लें। हाँ।